मतलब मैं बोलूँगा लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपका काम कैसे हो सकता है, कि हमने तो कर दिया बट सेंट्रल की तरफ से ये प्रॉब्लम आ गई, वहाँ से ये प्रॉब्लम आ गई, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूँ जो उन्होंने आज वादा किया ये पूरा होना चाहिए, ये वादा ही नहीं रह जाना चाहिए, इसमें इफ एंड बट्स की कोई परिभाषा नहीं आनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए इन्होंने कहा था, किसानों को इन्होंने आय बढ़ाने की बात की थी, कहाँ इन्होंने कहा था एक तिहाई जमीन पे सोलर के लिए हम प्राइवेटाइजेशन का काम करेंगे। बोलते हैं इसी तरह से जनता को भी सोचना चाहिए कि अब इनसे काम निकालने का तरीका भी और कोई नहीं है, यही है। आज भी प्राइवेट टैंकर से पानी दिल्ली में दिया जा रहा है, ये भाषणबाजी करना ये सब करना इससे काम नहीं चलेगा। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी है कि फ्री बोल दो तो बोलते हैं कि 999 रुपये का प्राइस टैग लगा दो किसी पे तो 1000 रुपये नहीं गिनेगा, वो 999 रुपये गिनेगा। तो इसी तरह से ये माइंडसेट से खेलने का काम है, आज तक वो अंधेरी गलियों में घूम रहा है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी को लेकर और अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि ईडी के समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। तो क्या ये ईडी का डर है इसी वजह से घोषणा की गई है, या फिर एमसीडी चुनाव के दौरान जो वादे किए गए थे उसे पूरा करने का अब समय आम आदमी पार्टी के पास आ गया है? क्या यही सच है कि वाकई ये जो वादे और दावे किए जा रहे हैं ये दिवाली तोहफा है, या फिर जो शिकंजा कसता जा रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर ये एक बड़ी वजह हो सकती है? काजल, इसमें पहले तो दिल्ली के उन कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई जिनको अरविंद केजरीवाल ने आज कह दिया कि उन 6000 कर्मचारियों को मैं पक्का करने जा रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए बधाई। और दूसरी बात, मैं तो बोलता हूँ अरविंद केजरीवाल को हर हफ्ते एक नोटिस पहुँच जाना चाहिए। तो इसमें ईडी का एक नोटिस पहुँचा तो उनको लगा कि कुछ लोग तो जोड़ लूँ, तो उन्होंने एमसीडी के लोगों को जोड़ के उन्होंने पब्लिक के बीच में एक सिंपैथी जताने की कोशिश करी कि किस तरह से मैंने देखो मैं अपने काम में लगा हूँ, मैं अपने वादों में लगा हूँ। और उन्होंने एक घोषणा 6000 कर्मचारियों को लेके कर दी, जो कि उन्होंने कहा कि 15 साल से बीजेपी की एमसीडी में सरकार थी, उन्होंने 15 साल से इनके लिए कुछ नहीं किया और मैंने जो वादा किया था उसमें से एक वादा मैंने पूरा किया, जिसमें वादे 10 हैं पर 10 में से एक वादा उन्होंने पूरा किया। उन 10 वादों के बारे में मैं आपको बता दूं तो उन 10 वादों में से पहला वादा है दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। टाइम लगेगा, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ दिल्ली को सुंदर बनाने में टाइम लगेगा, तो केजरीवाल जी को बेनिफिट देते हैं इसमें। तीनों कूड़ों के पहाड़ों को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। अब भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी ये भी समय बताएगा, पहाड़ वहीं के वहीं हैं वो खत्म नहीं हुए ये भी समय बताएगा। भ्रष्टाचार वो आम आदमी पार्टी को शब्द सूट नहीं करता। अभी अभी फिलहाल के लिए मैं उनके 10 शब्दों में से वो 10 वादों में से एक बता रहा हूँ। तो तीन कूड़े के पहाड़ों को उन्होंने खत्म करने की बात की थी जिनको भी समय लगेगा, पर उनमें अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि खत्म हो रहे, कि तादाद उनकी बढ़ती ही जा रही है। किस तरह से खत्म होंगे वो सोचने का विषय है और उनके उनकी पॉलिसी को लेकर हम पढ़ने का विषय है। पार्किंग की समस्याओं को मुक्ति दिलाएंगे, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर जो अभी कुछ उसमें पहल नहीं हुई है। आवारा पशुओं को लेकर उन्होंने बात की थी, आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाएंगे, वो भी इस पे भी अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। और नगर निगम की गलियों को सही करवाएंगे, तो अभी तक मुझे ऐसा कोई नगर निगम की गलियों में अभी तक नज़र नहीं आया कि जहाँ से कुछ सही होने की शुरुआत भी हुई हो। अब ये भी क्या चुनाव के अंतिम 2025 में चुनाव है तो 2024 के अंत से शुरू होगा, ये भी एक देखने का विषय है। और नगर निगम स्कूलों और अस्पतालों को ठीक करवाएंगे, पहले तो आपको ठीक करवाना पॉलीक्लिनिक को ठीक कराना पड़ेगा, जो आपने इतनी बड़ी पॉलीक्लिनिक चलाई है उनकी सुविधाओं को ठीक कराना पड़ेगा, तो वो अभी उनमें भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नगर निगम के सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे, तो पार्कों को शानदार बनेंगे, अब बने हुए पार्कों को शानदार की बात कर रहे हैं या नए पार्कों को शानदार की बात कर रहे हैं ये भी अब इन्होंने कुछ घोषणाओं के अंदर इस तरह की चीज़ें कि अब पता लगा कि दिल्ली के जो बड़े अच्छे पार्क हैं उनको बोल दिया हमने शानदार कर दिया, तो वो भी अभी मैं नहीं समझता कि उस पर भी कुछ हुआ है। सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, जिसमें एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों को उन्होंने घोषणा आज की है, तो मैंने उसकी बधाई आपको दी है कि आपको व्यापारियों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान करेंगे, जो कि अभी तक कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे। रेडी पटरी वालों के लिए भी इन्होंने वेंडिंग जोन बनाने की बात की थी, उनको भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। तो रेडी पटरी वालों के लिए अगर वेंडिंग जोन बनाना था तो वो तो आपका इससे भी आसान कार्य था, वो आप कर सकते थे, पर आपने वहाँ पर भी आपने अभी वोट की राजनीति के लिए उसको भी बचा के रखा है, ऐसा मैं मुझको दिखाई दे रहा है, ऐसा मैं अगर इनके पूरी 10 घोषणाओं को देखता हूँ। इसी तरह से इन्होंने और भी कई घोषणाएं इनकी आज जैसे जिस तरह से इन्होंने वादा किया कि हमने पक्का करने का वादा किया है,
ऐसे वादे इन्होंने पहले भी कभी काफ़ी सारे दिल्ली के अंदर किए हैं। प्रदूषण मुक्त की बात की थी इन्होंने, कहा था कि हम सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक कार इलेक्ट्रिकल बसेस चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और इसमें कोई खास परिवर्तन नजर नहीं आया। ऑड इवन का जो फॉर्मूला था वो भी देखा गया, उससे थोड़ा बहुत असर हुआ भी, लेकिन उस फॉर्मूले को दोबारा लाने की कोशिश ही नहीं। ऑड इवन के फॉर्मूले पे आपने एक चीज और देखी होगी, उससे जो पर्सनल गाड़ियां हैं वो गाड़ियों की तादाद बढ़ गई थी। ऑड इवन का फॉर्मूला सक्सेसफुल हुआ था इनका कुछ हद तक, बट उसके कारण क्या हो गया, निजी वाहन और ज्यादा बढ़ गए, लोगों ने ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां खरीदनी शुरू कर दी ताकि उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वो एक तरह से ट्रायल था इनका, ट्रायल के बाद इसमें कुछ हुआ नहीं। सामाजिक कल्याण की बात की थी, सामाजिक कल्याण के ऊपर इन्होंने कहा था कि बुजुर्गों को, छात्रों को फ्री बस सेवा की देंगे और महिलाओं को, जिसमें से इन्होंने तीनों में से एक महिलाओं को फ्री बस सेवा की सुविधा प्रदान की है, 2018 में ये बात की गई थी। तो अगर बोलें तो इन्होंने क्या तीन वादे किए, तीन में से तीन लोगों के लिए वादे किए, उनमें से एक को कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कि जो आसान चीजें थी वो पहले निपटाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल जो टफ चीजें हैं उनको पीछे रखने की कोशिश हो रही है, या ये करना नहीं चाहते वहां हाथ। जो मैंने अभी 10 घोषणाएं बताई उसमें से ज्यादातर आसान है। आपको कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करना है, पार्कों को सौंदर्यीकरण करना है, वो आप शुरू कर सकते हो। आपने बस सेवा को कहना, बस सेवा ऑलरेडी फ्री है, आपने बोलना ही है। तो इन्होंने सब ये लास्ट चुनावी मुद्दों के लिए बाद में बचा के रखे कि हमारी 10 घोषणाओं में ये हम कब कब करेंगे। इसी तरह से रोजगार के ऊपर बात की थी इन्होंने, इन्होंने कहा था कि 8 लाख नौकरियों का वादा किया था इन्होंने, 8 लाख नौकरियां हम देंगे। बाद में इन्होंने कहा कि 2 लाख नौकरियां हमारे यहाँ अभी खाली हैं, जिसकी वैकेंसी हमने सेंट्रल को भेज दी है, वहाँ से मंजूरी आनी बाकी है। जब आपने ये वादा किया था कि हमारे पे नौकरियां खाली, हम नौकरियां देंगे, तो साथ में आपने ये क्यों नहीं लगाया था कि इसकी मंजूरी सेंट्रल से मिलेगी तो हम ये वादा पूरा कर पाएंगे। वोट लेने के लिए आपने कहा हम नौकरियां देंगे, हम बेरोजगार भत्ता देंगे, ये देंगे वो देंगे, आपने क्या किया, नहीं किया, आपने सिर्फ वोट की राजनीति करी। पानी, सबसे फ्री पानी, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने कहा था कि हम बस्तियों 100 अनधिकृत बस्तियां जो थी वहां पर हम पानी पहुंचे, 650 झुग्गियां बस्तियां 100 ऐसे थी, जहां पर रिपोर्ट ये आई है कि इन्होंने मात्र केवल 7 झुग्गियों तक पानी पहुंचा पाए। पाइपलाइन से तो वो पानी भी दिल्ली वासियों को नहीं मिल पा रहा है जिसका वादा और दावा किया था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने डर के मारे जो आज एक घोषणा कर दी है, बोलते हैं कि जब आदमी नर्वस होता है ना तो कुछ ना कुछ वो या तो हंसता है या कुछ ऐसी चीजें करता है। तो मैं बोलता हर हफ्ते एक नोटिस दे देना चाहिए ताकि कह दिया जाए कि अरविंद केजरीवाल को मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि पहला मौका नहीं, इससे पहले भी उन्होंने कई बार कहा है और कई बार किया है। जब भी सरकार घेरे में आती है, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई, को तब तक कुछ ना कुछ बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल बिल्कुल बिल्कुल बड़ी घोषणा कर देते हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ 10 ये बड़ी वादे हैं इनके, और 6 हफ्ते के हिसाब, मतलब मैं 10 हफ्ते का वो हर हफ्ते एक नोटिस और एक वादा कंप्लीट। तो सरकार को इस तरह से काम करवाना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं बोलता हूँ जो उन्होंने आज वादा किया ये पूरा होना चाहिए, ये वादा ही नहीं रह जाना चाहिए, या इसमें इफ एंड बट्स की कोई परिभाषा नहीं आनी चाहिए कि हमने तो कर दिया बट सेंट्रल की तरफ से ये प्रॉब्लम आ गई, वहाँ से ये प्रॉब्लम आ गई, ये सब नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए इन्होंने कहा था, किसानों को इन्होंने आय बढ़ाने की बात की थी, कहाँ इन्होंने कहा था 1/3 जमीन पर सोलर के लिए हम प्राइवेटाइजेशन का काम करेंगे। आज तक वो अंधेरी गलियों में घूम रहा है। आज तक 1 लाख रुपए सालाना इन्होंने इनकम की बात करी थी, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो किसानों को भी वोट पड़े, इनको बेरोजगारों के भी वोट पड़े, इनको फ्री बिजली के नाम पे इनको वोट पड़े, पानी के नाम पे इनको वोट पड़े, आप उन सब में से देखेंगे तो कितनी चीज़ों पे इन्होंने काम किया है। ये भाषणबाजी करना, ये सब करना, इससे काम नहीं चलेगा। पर काम करने का तरीका गवर्नमेंट को, मतलब मैं बोलूँगा लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपका काम कैसे हो सकता है। आपका काम हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को हर हफ्ते एक नोटिस मिलता रहे, आपका काम होता रहेगा। लेकिन जनता फिर विश्वास कैसे करे अगर इस तरीके से ही काम होगा। लेकिन दूसरी तरफ उंगली तो ये भी उठ रही है ना सरकार पर कि सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, और अपने आप को बचाने के लिए, उस चीज को कवर करने के लिए, अच्छी छवि दिखाने के लिए आप घोषणाएं कर दें, तो जनता को सिर्फ ये आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता तो घूम ही रही है इसमें। देखिए मैं तो हर प्रोग्राम में आपसे कह रहा हूँ कि जनता को बड़ा सोच समझ के वोट देना चाहिए, और पढ़े लिखों को वोट देना चाहिए, और उसके रिजल्ट पे, उसके रिपोर्ट कार्ड पे, उन चीज़ों पे वोट देना चाहिए। अब जो कि जिस तरह जो मतलब जो नेता करते हैं, अब जनता को भी उसी तरह से आंदोलन इनके, ठीक है अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस मिला, हमारा काम हो गया।
बोलते हैं इसी तरह से जनता को भी सोचना चाहिए कि अब इनसे काम निकालने का तरीका भी और कोई नहीं है, यही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितनी ये पैठ बिठाने की अपनी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए हो, चाहे वो एमसीडी में पैठ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उल्टा पड़ने वाला है? पहले भी कहा कि कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं से तो जुड़ती है, उसको जोड़ने के लिए आप कहीं से भी 2010 से जोड़ लो, 2016 से जोड़ लो, कहीं से भी जोड़ते चले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आप बातों को तो कहीं से कहीं तक घुमा लो, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, काम काम होना चाहिए। तो इसी तरह से ये लोग भी कहीं ना कहीं से विधानसभाओं से इन सब से अल्टीमेटली आपने जो वादे किए वो पूरे होने चाहिए, वो काम दिखना चाहिए। मैं तो बोलता अरविंद केजरीवाल 25 साल और आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अरविंद केजरीवाल से या आप सरकार से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर जो उन्होंने कहा वो होना चाहिए। उन्होंने कहा था नशा मुक्त, जो सड़कों पर जो भीख मांगते लोग हैं ये सब हाँ है ना, नशा युवाओं में चल रहा है, ये सब चीज़ों से मुक्ति मिलनी चाहिए, इन सब पे काम होना चाहिए। वो कैसे होगा क्या होगा हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं इस प्रोग्राम में हमेशा आसान भाषा का प्रयोग करता हूँ और इस आसान भाषा का मेरा मतलब सिंपल रहता है कि हर आम जनता तक ये आम तरीके से पहुँचे। जैसे एक नुक्कड़ पर खड़ा हुआ आदमी बहस करता है, बात करता है, उसके उन शब्दों का, उसी तरह से हम इस प्रोग्राम को करने की कोशिश करते हैं। हम इसको कठिन शब्दों में बात करें, बहुत ज़्यादा हम इसे लाग लपेट करके बात करें, उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, जो वादे और दावे हमने किए, सरकार ने किए और हमने जो गिनाए हैं, इनमें से क्या जनता ये जानती है? जनता से ये सवाल है मेरा कि क्या जनता जानती है कि जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं, आप लोगों तक उसका लाभ मिला है नहीं मिला है? पॉश एरिया को अलग कर दें और ये जो अनधिकृत कॉलोनी के हम जिक्र कर रहे थे या फिर वैसी लोकल जो कॉलोनीज है वहाँ का हम जिक्र कर लें, तो दो धड़े बटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जहाँ पर कुछ काम हुआ है वहाँ के लोग अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जो पॉश एरिया में लोग रह रहे हैं उनके लिए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली पर जिस तरह से कर्ज है उसको लेकर लगातार वो सवाल उठाते हैं कि ऐसे तो दिल्ली पूरी तरह से कर्ज में डूब जाएगी, फिर कैसे हम इससे उभर पाएंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली पर कोई कर्ज, आप शायद स्टेटमेंट आपने ध्यान से सुना नहीं है उनका, आप उनका स्टेटमेंट सुनिए कि दिल्ली पे कोई कर्ज नहीं है, बाकी स्टेटों पे सब पे कर्ज है, दिल्ली पे कर्ज। हाँ, तो वही तो बात है ना, इनके आरोपों का तथ्य भी, मतलब किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस पे भी बहुत आरोप लगे, पर डेवलपमेंट आपको दिल्ली का कांग्रेस के टाइम पे ही दिखा। मैं बोल रहा हूँ बीजेपी की तो सरकार ही 15 साल 20 साल से नहीं आई है, आज 15 साल तो कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद आम आदमी पार्टी आ गई, तो इनके पास तो 25 साल से सरकार ही नहीं है। तो इनको एमसीडी थी, एमसीडी में क्या काम हुआ वो आप देख सकते हैं, बदलाव जनता ने बदलाव मांगा, बदलाव मिल गया। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी के अंदर भी लोगों को ये समझना पड़ेगा, मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपको भी टेस्ट चेंज करना है। लेकिन ये जो वादा है जो आज अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है, ये इसके पीछे एक डर दिखाता है। डर इस बात का कि अगर हम वादे अब पूरे करने नहीं शुरू करेंगे तो एक तरफ तो हमारे बड़े नेता फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से पतन होना शुरू हो जाए। यानी कि जो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है, हमने सारे वादे पूरे किए हैं, उन्हें भी डर है कि वो सत्ता से बेदखल कभी भी हो सकते हैं। बिल्कुल, सत्ता से बेदखल होने का तरीका भी आ गया, दोनों मतलब आरोप प्रत्यारोप की जब बात हो रही है तो डर होना चाहिए। और ये डर अगर जनता के लिए होता ना तो बहुत अच्छा होता। ये जेल जाने का जो डर है ना, ये मुझे ख़राब लगता है कि आप जेल जाने के डर से वादे पूरे कर रहे हो, मुझे ये ख़राब लगा। आपको ये आपकी ड्यूटी थी, आपको बैठाया गया वहाँ पर, ये वादों का आप टाइम, आप ये बताइए ना, आज बता दीजिए, चलिए आप बाकी आपने 9 और बचे हैं आपके, उनकी डेट भी बता दीजिए आज कि फलाना फलाना समय पे मैं ये वादा पूरा करूंगा, आई एम वर्किंग ऑन दिस। हाँ, काम शुरू होगा तभी तो, फिर क्योंकि इतना आसान तो है नहीं कि पूरी दिल्ली का कायाकल्प आप चंद महीनों में। डेट बता दीजिए, हमारे को चुनाव से हम जोड़ते ही नहीं इसको, हम इनको आपको जेल जाने से नहीं जोड़ते। अभी 10 जो वादे हैं आपके, 10 उनके वादों की डेट बता दीजिए, लिख दीजिए कि फलाना हम आने वाले अप्रैल में करेंगे, जून में करेंगे, जुलाई में करेंगे, आप लिख दीजिए, तो आपको कनेक्ट ही नहीं करेंगे हम वहाँ। लेकिन जब इनसे सवाल होता है तो फिर आ जाती है केंद्र सरकार। अब देखिए, इनका तो यह है कि केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं होना चाहिए, ये भी वादा किया गया था, तो ये इनके हाथ की बात नहीं है। तो इसमें इन्होंने ये कह दिया कि भाई हम तो इसको केंद्र शासित मुक्त राज्य बनाने की बात कर रहे हैं, वो इनके हाथ में नहीं है, तो अननेसेसरी की डिमांड जो आज तक नहीं हुई है, पर ठीक है। वादे फिर इस तरीके की क्यों करते हैं, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है या पूरा नहीं, आप कोशिश, आप ये बोल सकते थे कि आप कोशिश करेंगे,
लेकिन आपने वादा कर दिया कि हम इसे राज्य घोषित करवाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से मुक्ति दिलाएंगे। वादे कर दिए ना, अब आप इनका इनका जो इतिहास देखेंगे पिछले 10 साल से जब ये रामलीला मैदान से निकले थे तो वहाँ पर इन्होंने वो सब चीज़ें रीड करी कि जनता चाहती क्या है, जनता किस चीज़ पे विश्वास करती है, और इन्होंने उन चीज़ों को बड़ा ध्यान से इन्होंने अध्ययन किया उस चीज़ का, और अध्ययन करके इन्होंने उन्हीं चीज़ों पर चोट करी। टारगेट उन लोगों को किया है जो लोग प्रवासी हैं, यहाँ रहते हैं, और जिनकी जो छोटी नौकरियां करते हैं उन लोगों को खासकर इन लोगों ने टारगेट किया है, और यही वजह है कि आज इनकी जो गारंटियां हैं, जो फ्री की गारंटियां हैं, वो सही साबित दिल्ली में हो रही है। फ्री की गारंटी, अब मैंने बताया ना आपको, फ्री की गारंटी में आप बोलोगे कि पानी की समस्या, आज भी प्राइवेट टैंकर से पानी दिल्ली में दिया जा रहा है, वो पानी कहाँ से आ रहा है उसका कोई कहीं से कहीं तक की कोई सिस्टम नहीं है कि पानी कहाँ से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, प्राइवेट टैंकरों से कौन कहाँ से ला रहा है कुछ नहीं पता, वो पानी की क्वालिटी क्या है उसका नहीं पता, कितनी कॉलोनी ऐसी हैं, तो पानी की सुविधा कहाँ सही हुई। बिजली के बिलों को लेकर आजकल आप देख रहे होंगे, जो पहले बीच में जीरो बिल आ रहे थे आजकल किसी के 8,000-10,000 के बिल आने शुरू हो गए। तो इसमें आपने राघव चड्ढा को देखा होगा कि बिजली दफ्तर में जाके हंगामा करते हैं, बोलते हैं कि कैसे हुआ ये बिल, कैसे हुआ। तो ये देखिए बिल आया है ना, कैसे आया, क्यों आया, इस बात से कोई मतलब नहीं है। जिस आदमी का बिल 1,000 रुपये का आना चाहिए, आज 8,000 रुपये का आ गया, तो वो तो जाएगा। आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी है, तो उसके पीछे इनको प्लानिंग बतानी चाहिए थी, पर वो फ्री का लालच जो है ना उसको कैसे कवर अप करना है वो चीज़। आप ये कहते हैं कि जो 200 यूनिट से ऊपर वाले हैं उनका बिल आएगा, जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बिल जो है वो जीरो आएगा। जब आपने 200 यूनिट से पहले ही तय कर रखा है तो वो तो बिल ऑटोमेटिकली जीरो ही आएगा ना, कितने बिजली इस्तेमाल हो जाएगी 200 यूनिट में, आप क्या क्या कर लेंगे। लोगों को समझना पड़ेगा कि 200 यूनिट में आप क्या क्या कर लोगे, 200 यूनिट में आप कितने बल्ब जला सकते हो, उसकी कैलकुलेशन भी देनी चाहिए ना। एक एक नॉर्मल घर में अगर बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करो आप, तो आप उन्हीं के लिए सुविधाएं हैं ना ये, तो आप उनको ये बताना पड़ेगा कि आप 40 वाट के इतने बल्ब जला सकते हो, आप अपना टीवी चला सकते हो इतने आवर्स, तो आदमी अपनी कैलकुलेशन नहीं दी इन्होंने, क्लैरिटी नहीं है कोई भी योजना में इनकी क्लैरिटी नहीं है। मुफ्त 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 बोल के इन्होंने बोल दिया है कि मुफ्त। अब हमने कई बार हमने संजय जी का इंटरव्यू भी किया, हमने पूछा उनसे, जब मैंने किया था उनका इंटरव्यू तो मैंने उनसे पूछा था कि मुफ्त की राजनीति कब तक, तो बोलते कि मुफ्त कहाँ है। मैंने कहा फ्री बोलते हो ना, तो बोल रहे फ्री कहाँ है, ये तो हम जनता का पैसा है जनता को, तो मैंने कहा फ्री क्यों बोलते हो। तो ये जो शब्द है ना, शब्दों का जो वो है, ये खेलते हैं कि फ्री बोल दो, तो बोलते हैं कि 999 रुपये का प्राइस टैग लगा दो किसी पे, तो 1,000 रुपये नहीं गिनेगा वो 999 रुपये गिनेगा। तो इसी तरह से ये माइंडसेट से खेलने का काम है, ठीक है। तो ये इन्होंने ये बाटा प्राइस जो देख लिए है ना, ये पहले बाटा प्राइस ही बोलते थे इनको, इन्होंने उस चीज़ को प्ले किया, अच्छे से किया है इन्होंने। अब इंतज़ार इस बात का है कि जनता इसको किस तरीके से लेती है। MCD में जो इन्होंने फैसला लिया है, हालांकि अच्छा फैसला है, लेकिन और जो वादे किए गए हैं वो कब पूरे होंगे, क्योंकि दिल्ली की अगर आप हालत देखेंगे अभी तो हर जगह सिर्फ आपको धूल के अलावा कुछ और नज़र नहीं आने वाला, पॉल्यूशन के अलावा कुछ और नज़र नहीं आएगा, सड़कें खुदी पड़ी हैं, हर तरफ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क मैं फिर बोलूँगा, कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रहा है, खुदी हुई है रोडें, सिर्फ वही खुदी हुई है ना, और प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं, मेट्रो का काम चल रहा है। चलो वो तो एक मैं बोलूँगा कि मेट्रो आपके सुविधा के लिए बनेगी, काम तभी हो पाएगा जब सड़कें खुदेंगी, बट मैं और कई सारी चीज़ें, सरकार का क्या रोल है, दिल्ली सरकार का, तो दिल्ली सरकार का रोल ये है ना इसमें, क्यों नहीं है उसके, आपको सर्विस रोड ठीक करनी है, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ आपके अंडर में आती है, जो नहीं कर रहे हो, आपकी सड़कें खुदी, आप मैं बोलूँ कि आपको रास्ता में बताऊँ तो इधर से और दिखाऊँ उधर वाला, तो वो तो चलेगा नहीं ना। अब पार्कों का जिक्र कर रहे हैं, पार्कों का सौंदर्यीकरण करेंगे, मेरे घर के पास 2 बड़े बड़े पार्क हैं, लेकिन पार्क में सिर्फ आपको आवारा जानवर घूमते हुए नजर आएंगे और कुछ नहीं, साफ सफाई के नाम पर वहाँ कुछ नहीं होता। शाम होते ही वहाँ पर जो जुआरी है, जो नशेबाजी करते हैं, वो लोग आपको उनका जो मामला नजर आता है, उसके लिए भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बिल्कुल, आपने पार्कों में आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी जहां आवारा कुत्ते बच्चों को काट देते हैं, कितनी घटनाएं ऐसी हो गई है। आपने घोषणा तो कर दी कि आवारा पशुओं को हम रोकेंगे, आवारा पशुओं से मतलब आपका यही था कि जो सड़कों पे गाय घूमती हैं या कुत्ते घूमते हैं या सुअर घूमते हैं, इन सब चीज़ों के लिए था, ये तो जस के तस है। इतनी घटनाएं, इतनी रिपोर्ट्स हो चुकी हैं, आप कितने बच्चों की मृत्यु हो चुकी है डॉग अटैक्स में,
आपने उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि एनिमल लवर्स और इसमें बीच में आ जाते हैं, बच्चों को काट देते, तो मतलब कैसा प्यार है मुझे आज तक समझ नहीं आया। पर फिर भी मैं बोलता हूँ इसका कुछ ना कुछ निस्तारण होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसकी जिम्मेदारी भी फिक्स होनी चाहिए। आपको डॉग फीडिंग कैसे करनी है, कौन से एरिया में करनी है, कैसे, ऐसे नहीं कि आपने कहीं पे भी गए आपने डॉग खाना दे दिया, वहाँ पर आवारा कुत्ते घूमने लगे, क्योंकि वो जानवर है। बहुत सारे वीडियो ऐसा है, तो आपको इन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो समस्या दिल्ली की है, और जो वादों में भी इन्होंने लिखा है कि हम वादा कर रहे हैं, जाम की स्थिति, पार्किंग की व्यवस्था, वो दिल्ली में कहीं भी नहीं है। आप दिल्ली में कहीं भी निकल जाइए, आपको जो पार्किंग की व्यवस्था है वो बाहर ही नजर आएगी, गाड़ियां खड़ी हुई। सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि आप उसे ठीक कराइए। देखिए काजल, आज हम लोग भी दिल्ली जाते हैं या आते हैं तो हमें घड़ी देखकर जाना पड़ता है। हम लोग सुबह 8 बजे से लेकर, अगर नोएडा से निकलना है तो 7:30 पे अगर हम निकल गए तो हम दिल्ली पार कर जाएंगे। अगर हम 8 बजे निकले तो दिल्ली पार नहीं हो पाएगी, तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। इसी तरह से शाम का है 5:30 बजे के बाद, तो ये जो टाइमिंग है ना, इन टाइमिंग के ऊपर हमें सरकार को काम करना चाहिए कि कैसे ये, किस तरह से हम इसका रोड मैप करें, किस तरह से ट्रैफिक डाइवर्जन करें, कैसे इनकी पार्किंग की सुविधा को करें, कैसे टाइमिंग को ठीक करें, ये सब चीज़ों पे काम करें। बॉटल नेक बन जाते हैं जगह जगह, लंबे लंबे जाम लग जाते हैं। ऑफिस में आदमी को उतना टाइम नहीं लगता जितना घर पहुंचने में टाइम लगता है, तो एनर्जी सारी की सारी, हर तरह आपकी हमारी सबकी ऐसी एनर्जी चली जाती है, तो इन पे काम करना चाहिए, आउटपुट हमारा जीरो हो जाता है उसमें। तो ऐसे में अब आपको सोचना है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने जो आज वादा पूरा किया है, ऐसे ही वो वादे पूरे करते रहेंगे ईडी के समन के बाद, या फिर ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि एमसीडी में जो वादे किए थे केजरीवाल सरकार ने, वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। जी, तब तक आप सारे वादों के, मैं तो बोलूँगा कि आप अरविंद केजरीवाल के वादों को देखते रहें और उनको बार बार कुरेदते रहें, और इसी तरह से उनको समन मिलते रहें और आपके वादे पूरे होते रहें। और फिलहाल कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई, और बाकी आप हमारे प्रोग्राम को देख के कमेंट करते रहें, हमें और आसान भाषा में, हम इस प्रोग्राम को और करें।